हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले कैसे हम लोग इंस्टाग्राम की स्टोरी, जो आपका दोस्त कभी कभी स्टोरी देता है ना, तो आपको भी मन होता है कि वो वाला स्टोरी डाउनलोड कर लो, लेकिन आपको नहीं पता कि दोस्त का स्टोरी या खुद का भी स्टोरी कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आपके खुद के गैलरी के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा और वीडियो बहुत इजी है। अगर आप लोग पूरा देख लेंगे ना, किसी का भी स्टोरी फटाक से आपके गैलरी के अंदर सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा। और वीडियो को और बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो में बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए स्क्रीन की ओर। तो गाइस, इंस्टाग्राम में किसी का भी स्टोरी डाउनलोड करने के लिए या खुद का भी स्टोरी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जिसका स्टोरी पसंद आया ना, उसका स्टोरी में आप लोगों को एक बार टैप कर देना है। टैप करने के बाद ऊपर में राइट साइड में आप लोगों को देखना है, एक थ्री डॉट है ना, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए रिपोर्ट है, उसके नीचे ही है कॉपी लिंक। आप लोग नीचे देखिए कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को इसका जो लिंक है क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एकदम मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज करने के बाद आप लोगों को चले जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाके आप लोगों को सर्च में लिखना है इंस्टा फिंस्टा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा इस वेबसाइट का नाम। ठीक है, INSTAFINSTA.com। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट में ये वेबसाइट आएगा ना, इसमें देखिए वीडियो वाला सेक्शन सिलेक्टेड रहेगा डिफॉल्ट, लेकिन हम लोगों को वीडियोस नहीं डाउनलोड करना है। हम लोगों को क्या डाउनलोड करना है, स्टोरीज। तो स्टोरीज में हम लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये लिंक मांग रहा है, तो आपको इधर लिंक दे देना है। मैं इधर लिंक कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को सर्च कर देना है। इसको क्रॉस कर देता हूँ, एक ऐड है, तो इधर सर्च में क्लिक करता हूँ। सर्च में क्लिक करने के बाद थोड़ा इंतज़ार कर लेना है। इसी बीच आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थोड़ा लोडिंग लिया, इसके बाद देखिए जितना सारा मेरा स्टोरी है ना, सब अपीयर हो जाएगा। देखिए सब अपीयर, मैंने जितना सारा स्टोरी दिया था, मतलब आपका दोस्त जितना सारा स्टोरी दिया था। ठीक है, फिर से एक ऐड आ गया, हे भगवान। इसको क्रॉस करता हूँ। देखिए ये वाला मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं डाउनलोड में क्लिक करता हूँ। तो डाउनलोड मेरा चालू हो गया है। ऊपर में मैं दिखा दे रहा हूँ 1.4 MB का है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके आप लोगों को प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये रहा, आप लोग देख सकते हैं, मैंने यही आप लोगों को दिखाया था। तो कुछ इस तरह करके आप लोग इंस्टाग्राम का स्टोरी ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है ना, नीचे कमेंट सेक्शन है, जाइए कुछ भी पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाइए मुझे डीएम कीजिए। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है ना, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।